करती रहोगी या आगे भी बताओ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम बताने वाले कि कैसे आप एक बोलने वाली फोटो बना सकते हैं। जैसे कि आपने आईओपीयू शो जरूर देखा होगा, तो उसमें उनकी जो ग्रैंडमा की फोटो है वो बोलती है। और अगर आपको जानना है कि बोलने वाली फोटो कैसे बनानी है, तो इस वीडियो में आप बोलती रहोगी या आगे भी बताओगी लोग। तो गाइस सबसे पहले आपको कैमरा खोलना है। तो गाइस यहाँ पे हम जब कैमरा खोलेंगे तो हम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। गाइस वीडियो में वो बोलना है जो आपको उस फोटो से बुलवाना है, जो बोलने वाली फोटो आप बनाएंगे, तो आपको वीडियो में वो बोलना है जो आप फोटो से बुलवाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है। सो गाइस जैसे आपकी वीडियो शूट हो जाएगी तो यहाँ पे आपके फोन में वो सेव हो जाएगी। उसके बाद गाइस आपके फोन में ऐप होना चाहिए काइन मास्टर। सो गाइस काइन मास्टर पर आप जाएंगे। सो गाइस जैसे आप काइन मास्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। सो गाइस काइन मास्टर ऐप से आपको प्लस करके क्लिक करके आपको 16:9 का चूज कर लेना है। सो गाइस जैसी स्क्रीन आ जाएगी मीडिया ब्राउजर करके, और यहाँ से आपको वो वीडियो चूज करनी है जिसमें आपको बोलने वाली फोटो लगानी है। चाहते हैं सो गाइस मैंने वीडियो चूज कर लिया जहाँ पे मुझे बोलने वाली फोटो चाहिए। अब मैं इस वीडियो को ट्रिम कर रही हूँ, तो ट्रिम के लिए इस पर क्लिक करना और उसे पीछे को खींच देना है, तो ये वीडियो ट्रिम हो जाएगी। इस वीडियो में गाइस मुझे बोलने वाली फोटो लगानी है, तो ये मैंने पहले चूज कर दी है। गाइस उसके बाद आपको लेयर पर जाना है। गाइस लेयर पर जाने पर मीडिया पर क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा डाउनलोड का। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है एक फोटो फ्रेम, जिसको मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैं उसे वॉल पर लगा दूंगी ताकि वो ऐसा लगे कि वो फोटो फ्रेम पहले से एग्जिस्ट करता था इस वॉल पर। तो गाइस जैसे ही मैंने इस वॉल पर ये फोटो फ्रेम लगा दिया है, तो गाइस ये फोटो फ्रेम पर मैं क्लिक करूंगी और उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूंगी जितनी मेरी वीडियो की लेंथ है। मैं इसको इंक्रीज कर दिया नीचे। अब सो गाइस अब दोबारा आपको लेयर पर क्लिक करना है, और मीडिया पर क्लिक करने पे अब आपके सामने आपकी वो वीडियो चूज कर लेनी है जो आपने अभी शूट करी थी फोटो फ्रेम में लगाने के लिए। सो गाइस उस वीडियो को आपको लगाना है फोटो फ्रेम के आगे, तो उसको ले जाइए उस फोटो फ्रेम के नज़दीक। तो मैंने क्लिक करा और मैं उसको फोटो फ्रेम के नज़दीक ले गई। अब यहाँ पे आपको क्रॉप करना है। क्रॉप इसलिए करना है ताकि वो फोटो फ्रेम पर फिट आ जाए। तो अब मैंने क्रॉप कर दिया और ये जो मेरी फोटो है, बोलने वाली वीडियो है, वो फोटो फ्रेम पर लग चुकी है। सो गाइस अब आपको यहाँ पे क्रॉप दोबारा कर सकते हैं बिकॉज मेरी फिट नहीं हो रही है। अभी फिट हो जाएगी, मैंने सेट कर दिया। अब ये वीडियो भी हमारी फिट हो चुकी है, और ऊपर आगे जो क्लिक कर देना। सो गाइस अब आप इसको प्ले करके देखिए तो आपके सामने बोलने वाली फोटो बन चुकी है। सो गाइस देख लीजिए बिल्कुल बन चुकी है। अब आपको बैक करना है गाइस अपने फोन में, एक कदम बैक करिएगा। सो गाइस जैसे आप बैक करेंगे तो आपके सामने वो फोल्डर आ जाएगा, आपको शेयर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट करना है। गाइस जैसे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपके फ़ोन में वो वीडियो आ जाएगी जिसमें बोलने वाली फोटो मौजूद होगी। सो गाइस वहाँ पे काइन मास्टर का लोगो आएगा और उसको कैसे हटाना है उस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, तो यहाँ पे आई बटन पर उसका लिंक शो हो रहा होगा, तो उस तरीके से आप काइन मास्टर का लोगो हटा पाएंगे। सो गाइज अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप एक बोलने वाली फोटोग्राफ बना सकते हैं। सो गाइज अगर आपको उस फोटो फ्रेम जो मैंने यूज करा था बोलने वाली फोटो बनाने के लिए, अगर आपको वो फोटो फ्रेम डाउनलोड करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस फोटो फ्रेम को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बोलने वाली फोटो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो पहली बार यूट्यूब में किसी ने बताया है कि कैसे आप एक बोलने वाली फोटोग्राफ बना सकते हैं, तो इस वीडियो का एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी क्रिएट कर पाए बोलने वाली फोटोग्राफ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, जस्ट यू लाइक दिस वीडियो।